देखिए मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, 51 जिले हैं, 313 ब्लॉक हैं। हमने पिछले बार की तुलना में इस बार पहले से ही यूरिया का डीएपी का भंडारण किया है। पिछली बार से 30% अधिक यूरिया हम वितरित कर चुके हैं। आज समय तक जुलाई के उसमें 50% अधिक डीएपी हम वितरित कर चुके हैं। डीएपी की कोई समस्या नहीं है। हाँ, ये बात 99 प्रकरण हमने बनाए हैं जिनके खिलाफ जो भंडारण किया, जिन्होंने गलत कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने देश को दिया भ्रष्टाचार, सिस्टम में भ्रष्टाचार कांग्रेस की दे रहे हैं। भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, घोटालेबाजों की जननी कांग्रेस है, मिलावटखोरों की जननी कांग्रेस है, और इसलिए इसने 55 साल जो राज किया, इसलिए सिस्टम में भ्रष्टाचार कर दिया है। लेकिन हम सिस्टम को ठीक करने में लगे हैं, हम सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। हमने 55 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। मैंने सख्त निर्देश दिए सभी DDS को कि सभी के बीज, खाद और दवाई, ये किसान के साथ धोखाधड़ी करने वाले राष्ट्रद्रोही हैं, क्योंकि किसान सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए अनाज पैदा नहीं करता, बल्कि वो देश के लिए और पूरे विश्व के लिए अनाज पैदा करता, जिससे हम दोनों टाइम भोजन करते हैं, सब्जियां खाते हैं और दूध पीते हैं। अगर इस कोरोना के समय किसान नहीं होता तो लोगों का जीवन ही मुश्किल हो जाता, और इसलिए किसान हमारी पहली प्राथमिकता है। हमने इसलिए पिछली बार से ज़्यादा व्यवस्था की, लेकिन इस बार पहले 15 दिन पहले बारिश हो गई, बोनी पिछली बार से 30% अधिक हो गई, और इसलिए 1,20,000 मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया की आवश्यकता पड़ गई। हमने भारत सरकार से 1,50,000 मीट्रिक टन यूरिया की मांग की है, उन्होंने हमें 43,000 मीट्रिक टन के लिए सहमति दी है, भेज रहे हैं, और इसलिए कुछ जिलों में जहाँ पर 70% बोनी हो गई और वो मक्का की और कपास की, और उसके कारण कुछ जिलों के अंदर ये मांग बढ़ गई है, और हमने 80% सरकारी सोसाइटियों को दिया है, 20% प्राइवेट को दिया है। लेकिन जब आप समझते हैं मांग और पूर्ति का होता है तो गड़बड़ करने वाले लोग उसका फायदा उठाते हैं। लेकिन मैंने सख्त निर्देश दिए मेरे सभी DDS को कि आप निगरानी रखें, और कोई अधिकारी कर्मचारी अगर इनसे संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी, और चाहे वो कितने ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाला, मिलावट करने वाला, जमाखोरी करने वाला बक्सा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हमने इंदौर में सैंपल करवाए थे 257, उसमें से 17 फेल हुए। एक ईगल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसके 14 सैंपल फेल हुए। मैंने आज ही DDA इंदौर को आदेश दिया है कि थाने में जाकर उसकी FIR कराएं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, ताकि अगली बार किसी की हिम्मत ना हो कि कोई किसानों के साथ गलत काम कर सके। और इसलिए मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, और आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता से और सभी किसान भाइयों से कि ये सरकार किसानों की सरकार है, किसान का बेटा मंत्री है, मुख्यमंत्री किसान का बेटा, और इसलिए किसानों के साथ जो धोखाधड़ी करेगा, मिलावटखोरी करेगा, वो बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। यहाँ तक कि नकली बीज देने वालों के खिलाफ हम रासुका भी कार्रवाई कर रहे हैं, ये भी आदेश हमने दिए हैं। और इसलिए इतने बड़ी व्यवस्था में थोड़ी बहुत हो जाती है, और उसमें भी हम ठीक करने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार के हमारे केंद्रीय मंत्री उर्वरक और खाद्य मंत्री श्री घोड़ा जी से मेरी चर्चा हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी चर्चा की, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जल्दी ही हम आपको अतिरिक्त यूरिया उपलब्ध कराएंगे। जैसे ही हमको अतिरिक्त यूरिया उपलब्ध होगा, रोज रेट चल रही है, हम सब व्यवस्था कर रहे हैं। मैं खुद डेली मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और हम किसानों को अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमें अभी सरकार बनाए मात्र 3 महीने हुए हैं, और इन 3 महीने में भी हमने जो काम किए वो कांग्रेस ने 15 महीने में नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस ने पूरी व्यवस्था को चरमरा दिया। कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार माफियाओं की सरकार थी, पूरा माफिया राज कर दिया था, लूटने में लगे थे, और इसलिए कोई कहावत है ना, कल लूटे तो आज लूटे तो अब इसमें लूटने में लगे हुए थे, लेकिन हम उन लुटेरों को ठीक करने में लगे हैं, और हमने ठीक किया है और आगे ठीक करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।